Hi, this is Harsh Kumar. I'm from Hyderabad and I have done Khauf Sare Jhoote movie. It's my debut movie and it's a beautiful movie in which I have played Ayush Khanna character, and it's a very romantic and it's a very emotional movie. साउथ से है आप, तो साउथ की कोई मूवी की है आपने? हाँ, मैंने छोटी छोटी जो तेलुगु मूवीज होती है वो मैंने बहुत पहले की है. उसके बाद सर ने मुझे ये किरदार निभाने का मुझे चांस दिया, तो बहुत बड़ी बात है. ये मेरा डेब्यू मूवी कैसे आपको मौका मिला इस फिल्म में काम करने का, पूरा करने का? है. जैसे मैं एक्चुअली सर के पास मैं एक्टिंग सीखता था, दीपक बलदेव जी है, उन्होंने वो एक अपना एक्टिंग एकेडमी चलाते हैं, वहाँ पर मैंने एक्टिंग सीखा बहुत साल पहले, और हमने एक छोटे से काम भी किया था साथ में. फिर उन्होंने सर ने कहा कि लाइक ये तुम करो, ऑडिशन भी किया था इस रोल के लिए, तो फिर जाके मैं डेब्यू मूवी कर रहा हूँ. क्या है फिल्म, थोड़ा सा बताया अगर आप अपने हिसाब से बताएं, क्या फिल्म मूवी है? फिल्म इज़ ऑल अबाउट, एक मैसेज भी है, एक रोमांटिक है, इसमें एवरीथिंग क्लब्ड है जैसे एक मूवी को होना चाहिए. एंटरटेनमेंट है, गाने हैं, बहुत सारे खूबसूरत अच्छे गाने हैं. हमारे 3 गाने बहुत ही खूबसूरत है, और आपको देखेंगे, आप सुनेंगे तो बहुत ही आपको आनंद होगा. जी बिल्कुल. थोड़ा सा बताइए उसके बारे में, क्या कैरेक्टर है आपका? आयुष जैसा बंदा है वो बहुत ही परफेक्ट है. उसने अपनी लाइफ में हर कुछ हासिल कर चुका है, बट फिर भी उसकी लाइफ में एक छोटी सी कमी रहती है, वो जिसके लिए वो दौड़ते रहता है, ढूंढते रहता है, तो फिर आखिर में वो मिल ही जाती है. तो फिर वैसा ही कैरेक्टर अच्छा, ये ख्वाब के बारे में है फिल्म, आप क्या करते हैं है. रियल लाइफ में, मतलब ये करते हो आप जैसे ड्रीम्स करते हो आप? जैसे आप मूवी देख रहे हैं ख्वाब सारे झूठे, हमारे जो टाइटल है वो ख्वाब सारे झूठे हैं, लेकिन आज जैसे मेरी लाइफ है वहाँ पे ख्वाब सारे सच हो रहे हैं, तो इट्स अ वेरी टर्निंग पॉइंट मेरे लिए. और या बट बहुत सारे लोगों के लिए मतलब झूठे भी हो जाते हैं, अपने खुद की नीयत पूरी नहीं हो पाते हैं ऐसे। बिल्कुल भी जैसे कि अभी मैं मानता हूँ कि यहाँ पे किस्मत का भी एक बड़ा खेल है. जैसे आप अगर काम करते हो, मेहनत तो सबको करना ही है, टैलेंट तो सबको दिखाना ही है, वो सबके पास होते हुए भी किसी के पास किस्मत होनी चाहिए. बिकॉज़ जैसा मैंने अभी यहाँ पे काम किया है उसके लिए बहुत ही लोग और आगे पीछे खड़े हुए करने के लिए. अगर मैं एक बार मना कर दूँ तो इसमें किस्मत का भी खेल है. जैसा मेरा मिलना था दीपक सर के साथ और उनका मेरे साथ मिलना था, ये किस्मत का है. तो और टैलेंट भी है, वर्क हार्ड भी है, डिसिप्लिन भी है, इसलिए आज ये मुकाम आया है और हमने फिल्म हमारी बाहर आ रही है, ये बहुत ही खुशी की बात है. और जैसा मैं समझता हूँ मेरे माँ बाप का भी बहुत ही इसमें इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि उन्होंने मुझे बढ़ावा दिया इस चीज़ में आगे बढ़ने का. आज भी वो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स सब लोग, और बहुत लोग हमारे मूवी को जल्द से जल्द देखना चाहते हैं. बहुत सारे लोग मुझे पूछते कब आ रही है आपकी मूवी, कब आ रही है मूवी, बहुत सारे लोग मुझे पहचाने लगे इस मूवी की वजह से, तो बहुत खुशी की बड़ी बात, बहुत बात है. हाँ, मेरे ऑपोजिट तुलिका सिंह है, वो बहुत ही अमेजिंग एक्टर है, उन्होंने अपना किरदार बहुत ही अच्छी तरह से निभाया है, और हमारा रिहर्सल भी था और हमारे शूट पे बहुत ही कंफर्टेबल थे, बहुत ही मज़ा किया, बहुत ही आनंद हुआ हमको काम करके उनके साथ, और बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही जेन्यून एक्टर है, उनके साथ काम करके बहुत ही अच्छा लगा. या थोड़ा सा आपने काम किया हुआ है साउथ में, यहाँ भी पहली बार, बिल्कुल भी क्या डिफरेंस पाते हो आप साउथ में बॉलीवुड में? जैसे डिफरेंस वैसा कुछ ज़्यादा है नहीं, जैसे कि हमारे लोग वहाँ पे डिसिप्लिन, हर जगह डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट है, तो वैसे ही यहाँ पर भी वैसे ही लोग हैं, बहुत ही प्यारे लोग हैं. हर जगह का एक अलग अलग संस्कार होता है, जहाँ से अभी साउथ से आ रहे थे एक अलग संस्कार होता है, यहाँ पे हिंदी वालों का एक अलग संस्कार होता है, बट वहाँ पे एक ही है, मोटिव एक ही है कि हमको फिल्म को अच्छा लेके जाना है, तो दैट्स. और प्यार भी है, बहुत ही अच्छा प्यार है. इसके बाद कुछ और प्लान है आपका, क्या कर रहे हैं आप? बिल्कुल भी, अभी तो मैंने यहाँ पे मुंबई में थिएटर किया है ताकि मैं अपने एक्टिंग लेवल को और एनहेंस कर सकूँ, ताकि और सीख सकूँ, तो वही चल रहा है फिलहाल. और वैसे भी थोड़े मूवीज़ है जो अभी अप्रोच कर रहे हैं, अभी तक मैंने फाइनलाइज नहीं किया है, बट वो हो जाएंगे. अच्छा, एक्टिंग क्लासेस जो है वो कितना हेल्प करती हैं, थोड़ा उस बारे में बताएं। हाँ बिल्कुल भी, बहुत हेल्प करती है. जैसे अभी नए कमर आते हो तो आपको कैमरा फेसिंग के लिए, और जब डायलॉग आप बोल रहे हो तो उसकी स्पष्टता होनी चाहिए, वैसे बहुत सारे जो टेक्निक्स होते हैं, जैसे आप एक्टिंग एक्टर है तो उसके लिए टेक्निक्स होते हैं, तो आप अगर इम्प्लाई करोगे उसको तो आपकी नेचुरलिटी और आएगी, आपकी आपका जो एसेंस है, आपका जो प्रेजेंस है और बढ़कर आएगा, आपको सीखने को मिलेगी. पहले तो मैं अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उसके बाद शाहरुख खान, मतलब ऐसे कैटेगरी है, तो ऐसे मैं जो भी इनके पास से अगर कुछ क्वालिटी अगर मुझे अच्छी लगती है तो मैं वो एक क्वालिटी सीखने की कोशिश करता हूँ. अगर मुझे अमिताभ बच्चन से कुछ
आवाज़ अच्छी है उनकी, उनकी स्पष्टता अच्छी है, तो मैं वो पिकअप करता हूँ। जैसे शाहरुख खान का है, शाहरुख खान का जो स्टाइल है वो पिकअप करता है। ऐसे दूसरे स्टार्स है जो मैं हमेशा ऑब्जर्व करता हूँ और उनसे कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। मैं हर एक किरदार निभाना चाहता हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है अगर हर तरीके का, चाहे वो ईविल हो, चाहे वो डाउन टू अर्थ हो, चाहे वो सब कैरेक्टर मैं प्ले करना चाहता हूँ, एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। क्योंकि एक एक्टिंग ही एक फील्ड है जो हम हर किरदार निभा सकते हैं, हर किरदार को जी सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो, दिस इज दीपक बलदेव ठाकुर, अ फिल्म डायरेक्टर ख्वाब सारे झूठे। वेल, मेरी शुरुआत हुई थी एक्चुअली आई वांटेड टू बी एन एक्टर फॉर माई सेल्फ। सन 2001 में मैंने अपना एक्टिंग कोर्स किया है, इसी बॉम्बे से किया है मैंने। सुप्रसिद्ध पॉपुलर नेम आशा के चंद्रा, जो मेरे गुरु है, उनके पास मैंने 2001 में बतौर एज एक्टिंग ट्रेनिंग ली थी मैंने। फिर उनके पास ही मैंने एज ए असिस्टेंट काम किया, असिस्टेंट फैकल्टी। फिर मैं, क्योंकि मैं हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे हैदराबाद में खुद एक काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है, तो समवेयर आई कुड नॉट एबल टू गेट द राइट प्लेटफॉर्म इन इन बॉम्बे व्हेन आई वाज स्ट्रगलिंग एज एन एक्टर। तो मुझे लगा कि मैं अपने होम टाउन में कुछ, क्योंकि आई हैव ए गुड कॉन्टेक्ट्स देयर, तो मैं वहाँ पे जाके अपना स्ट्रगल करूँगा एंड आई कैन डू सम वर्क देयर। एंड सो बिकॉज ऑफ द होम सिक नेचर आई वेंट बैक टू माई होम टाउन हैदराबाद एंड आई स्टार्टेड स्ट्रगलिंग देयर, मीटिंग सम डायरेक्टर्स। तो उस दौरान के प्रोसेस में आई कुड एबल टू मीट ए प्रोमिनेंट फिल्म डायरेक्टर ऑफ साउथ इंडिया, मिस्टर ए के रेड्डी, जिन्होंने बॉलीवुड में भी एक फिल्म का निर्माण किया था, जमाई राजा विद अनिल कपूर एंड हेमा मालिनी। तो उस वक्त उनका एक उनका लड़का का फिल्म का लॉन्च का प्लानिंग चल रहा था। सो आई वेंट टू गिव द ऑडिशन देयर, देन उन्होंने ऑडिशन में मेरा परफॉर्मेंस पसंद किया। देन ही रिक्वेस्टेड मी टू ट्रेन हिज सन इन एक्टिंग बिकॉज ही फेल्ड दैट आई कैन टीच माई क्राफ्ट टू अदर्स। तो इस तरह से जर्नी चालू हुई। जब मैंने फिर मैं सोचा कि एटलीस्ट यू नो एक डायरेक्टर के इंटरेक्ट होगा, रेगुलर मिलना हो जुलना होगा, तो समवेयर आई फेल्ट वेरी सेल्फिश अबाउट इट। आई बोला कि लेट्स हैव ए चांस, ट्रेन कर सकते, तो वाई नॉट। सो आई स्टार्टेड ट्रेनिंग हिज सन, हु हैपन टू बी आज के डेट के वो तमिल के सुपर एक्टर है, मिस्टर वैभव रेड्डी। तो मैंने उनको ट्रेनिंग दिया था। देन आई रियलाइज दैट आई कैन टीच माई क्राफ्ट टू अदर्स। सो इमीडिएटली आई शिफ्टेड फ्रॉम एक्टिंग टू टीचिंग स्टूडेंट्स इन फिल्म कोर्सेस। देन फिर मैंने अपनी कंपनी का निर्माण किया 2002 में, ग्लिटर्स फिल्म अकेडमी के नाम से प्रसिद्ध थे एंड हैदराबाद बेस्ड फिल्म इंस्टीट्यूट है मेरा। तो उस दौरान देन आफ्टर 2001 के बाद काफ़ी मैंने कास्टिंग किया। देन आई शिफ्टेड माई सेल्फ एज ए कास्टिंग डायरेक्टर फॉर तेलुगु फिल्म्स। इस दौरान मैंने काफ़ी नई टैलेंट को प्रमोट किया, इंक्लूडिंग जो बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस नेहा शर्मा, जो मेरी स्टूडेंट रह चुकी, हमारी कास्टिंग प्रोसेस की डिस्कवरी है वो। उस तरह कई ऐसे बड़े नाम हैं जो इनको मैंने साउथ इंडस्ट्री में काफ़ी प्रोत्साहित किया था। एंड देन हमेशा एक हम इंसान की एक 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 इच्छा होती है कि वॉट नेक्स्ट। तो मैंने अपने एकेडमी में अपने अपने खुद के प्रोसेस में मैंने काफ़ी नाम कमा लिया था, तो वॉट नेक्स्ट इज वॉज ऑलवेज बॉदरिंग मी। तो देन आई रियलाइज कि आई हैव ए इनर टैलेंट ऑफ राइटिंग एंड डायरेक्टिंग द फिल्म। तो देन आई स्टार्टेड मेकिंग ए स्मॉल शॉर्ट फिल्म्स। मैंने एक इंडी फिल्म का, इंडिपेंडेंट फिल्म का निर्माण किया था जिसका नाम है इसके बम में है दम, विद द स्टूडेंट्स ऑफ माई अकेडमी, विच आर शॉर्ट इन हैदराबाद एंड गोवा, जिसको मैंने मतलब वेरी एमेच्योरली इसको शूट किया था विद हैंडी कैम। एंड देन आई प्रेजेंटेड दैट फिल्म टू द फिल्म मेकर्स लाइक साउथ के फिल्म मेकर ए के रेड्डी, शिवना किशोर राव एंड सुकुमार, ऐसे सुप्रसिद्ध डायरेक्टर्स को मैंने फिल्म का स्क्रीनिंग दिखाया। देन जब इन्होंने फिल्म देखा तो ये सारे डायरेक्टर्स ने तारीफ़ की कि आई हैव ए गुड क्वालिटी ऑफ ए डायरेक्टर, जो बिना इक्विपमेंट के, बिना किसी प्रॉपर लॉजिस्टिक्स के, मैंने 2 घंटे उनको पलक झपके वगैरह फिल्म दिखाई, जो मेरी पहली फिल्म थी, एमेच्योर फिल्म मेरी इसके बम में एकदम। तो उन्होंने बोला कि वाई डोंट यू टेक नेक्स्ट लेवल बाई मेकिंग ए गुड फिल्म। तो जब उनके प्रोत्साहन से, जब बड़े डायरेक्टर्स इतने में सही करेड ने मुझे इस चीज़ का कॉम्प्लीमेंट दिया, तो देन मेरे अंदर से डायरेक्टर की इज्जत पैदा हुई एंड देन आई स्टार्टेड राइटिंग द स्क्रिप्ट। तो मुझे स्क्रिप्ट जब लिखने का मैंने प्रोसेस चालू किया, क्योंकि मैं कास्टिंग में था तो आई कुड एबल टू मीट लॉट ऑफ यंग टैलेंट जो मेरे पास एक सपने लेके आते थे कि दीपक सर है, ग्लिटर्स फिल्म अकेडमी है, कुछ ना कुछ ये हमारे लिए अच्छा करेंगे। तो ऐसे कई टैलेंट मेरे पास इंटरेक्ट हुए, जिन जिनके पास ब्यूटी है, टैलेंट है, लुक्स है, बट कहीं ना कहीं वो लाइफ में फेलियर है। तो मैं हमेशा फेलियर स्टोरी उनकी समझने की कोशिश किया। फिर जब मैंने कहानी का लिखने का मौका मिला, तो वहाँ से मेरी कहानी को प्रेरित मिला जो ख्वाब सारे झूठे है, एंड दैट्स हाउ द प्रोजेक्ट हैज़ बिन डिजाइंड। जी, नो इट्स नॉट अबाउट एक्टर्स, अबाउट
सपने साकार कैसे कर सकते हैं आप? सपने सबके साकार होते हैं, मैं ये मानता हूँ। जैसा मेरा खुद का सपना था कि मैं डायरेक्टर बनूँ, तो मेरे को 15 साल लग गया इस चीज़ में। मतलब मैंने जो हिम्मत है या विल पावर है या डेडिकेशन है, वो उसको मैं डटा रहा हूँ उस चीज़ पे मैं, तब जाके मेरा सपना साकार हो रहा है। बट आज की जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ही जल्द निराश हो जाती है, बहुत ही जल्द टूट जाते हैं, एक ही फेल्योर से समझते हैं ज़िंदगी में मौका नहीं मिलेगा, एंड दे गो इन टू रॉन्ग थिंग्स, या नशे के एडिक्ट हो जाते हैं, या कोई गलत चीज़ में चले जाते हैं, शॉर्टकट्स के तरीके में चले जाते हैं, जो कि ज़रूरी नहीं है। मेरा ये मानना है पर्सनली, अगर आपके अंदर आपका लक्ष्य क्लियर है, नीयत साफ़ है आपकी, तो आज नहीं कल आपको कदम किस्मत आपको आई मीन आपके ड्रीम्स आपके कदम चूमेंगे, ये मैं मानता हूँ। जो प्रैक्टिकल, मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ इस चीज़ का। आई कम फ्रॉम ए नॉन फिल्म फिल्म बैकग्राउंड, एंड आई वॉज आई डोंट हैव एनी गॉड फादर इन द इंडस्ट्री, बट समहाउ विद द यूनिवर्स सपोर्ट मैंने कहीं ना कहीं ये चीज़ को आज हासिल किया, मैं मानता हूँ। और बहुत जल्द 7 तारीख को पब्लिक इसका रिव्यू देगी, 7 तारीख को हम फिल्म के रिलीज़ कर रहे हैं, तो हमारा रिजल्ट आने का बस उसी का इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, आपकी फिल्म का टैगलाइन है कि ड्रीम्स आर ड्रीम्स, रियलिटी विल बी डिफरेंट, तो इसका मतलब? हाँ, ड्रीम्स तो ड्रीम्स और सपने सपने होते हैं, इसका अंतर तो यही है कि हकीकत तो अलग होती है। बट हकीकत में जो चैलेंजेस आते हैं उसको हम तैयार नहीं होता है इंसान, जो हकीकत में चैलेंजेस आते हैं, पीपल आर नॉट आई मीन स्पेशली द यंगस्टर्स, जो 18 साल की, 18 से 24 साल की उम्र के जो युवा होती है, उनमें चैलेंजेस एक्सेप्ट करने की डेडिकेशन या विल पावर नहीं होता है उनके अंदर, वो हिम्मत टूट जाती है। या ऐसे कई ऐसे भी केसेस हैं जिनको सब कुछ मिलता है, जिसे हम कहते हैं विरासत से है, या फिर ब्लेसिंग्स के तरीके से मिलती है, जैसा कि एक्टर्स होते हैं, किसी को विदाउट एनी प्रोसेस ऑफ स्ट्रगल दे गेट द ब्रेक, बट उसको संभाल नहीं पाते वो लोग, क्योंकि वो लोग इजी ग्रांटेडली ले लेते हैं, उनको लगता है कि ये चीज़ आसान से हो गई तो इट इज़ टेक इट ईजी, सो दे डोंट गिव देर 100%, जिसके वजह से उनकी आगे की जर्नी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो अगर किसी को भी अगर सस्टेन करना है लॉन्ग टर्म में, तो ऑब्वियसली टिल द एंड ऑफ द जर्नी दे हैव टू गिव 100%। मिसाल के तौर पे आज बच्चन जी है, आज भी ये बच्चन जी यही कहते हैं कि दे ही इज़ लर्निंग, ही नेवर से दैट कि आई हैव लर्न सो मच, सो इट इज़ लाइक ए ओशन, यू कैनॉट से दैट आई नो एवरीथिंग, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, नो बडी इज़ हियर 100%। जब बच्चन जी जैसे एक महान कलाकार ये बात कहते हैं, तो हम तो उनके सामने कुछ नहीं है, तो ये इंस्पिरेशन होना चाहिए युवा पीढ़ी को कि देर इज़ नथिंग यू कांट लर्न, इट्स अ प्रोसेस, एवरी डे इज़ अ प्रोसेस, एवरी डे इज़ अ चैलेंज, तो उसके लिए तैयार होइए आप। उस तैयार होने के लिए आपका विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए, जो इस फिल्म में दिखाया गया, जो इस फिल्म की कहानी है, जो लड़की का विल पावर वीक होने की वजह से वो गलत राह में निकल जाती है, तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है ये फिल्म में दिखाया गया। जी, पोस्टर में सिर्फ एक्ट्रेस का ही चेहरा नजर आ रहा है। जी जी, इस एब्सोल्युटली इज़ अ वुमेन सेंट्रिक, वुमेन सेंट्रिक कहानी है, जिसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से इसका स्क्रीन प्ले डिज़ाइन किया था मैंने, जिसमें डिफरेंट शेड्स दिखाया गया लड़की के, जो हमारे लीड एक्ट्रेस है, राइट फ्रॉम द स्कूल गोइंग गर्ल टू एक सिटी बेस्ड गर्ल, तो इसके मतलब इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कैरेक्टर विच लाइक माई लीड एक्ट्रेस हैज परफॉर्म वेरी वेल, काफ़ी अच्छा उसने परफॉर्मेंस दिया, एंड आई एम वेरी होप, आई एम वेरी श्योर दैट आफ्टर द रिलीज ऑफ फिल्म स्टार इज़ इन टू द मेकिंग, आई कैन से। जी जी, इज अ ट्रांस, मतलब इज ए इन द ब्रीफ फैश है, इसमें यह दिखाया गया इस कहानी में कि आपके पास सब कुछ था, लेकिन आपके अंदर एक ज़िद और एक घमंड आ गया, जिसकी वजह से जो आपके पास था वो आप छोड़ के चले गए उसको। सो व्हेन यू हैव ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, आपके लाइफ में सब कुछ मिला आपको, लेकिन उसको आपने स्वीकारा नहीं आपने, और आपके अंदर एक लालच और ग्रीड आ गई, जिसकी वजह से जो था वो भी आपके हाथ से छूट गया, और आप नोवेयर रह गया आज। तो दो शेड दिखाया गया इसमें, टू द बिकॉज माई आई वॉज इन टू कैस्टिंग, आई वॉज डूइंग रेगुलर कास्टिंग, सो रीचिंग न्यू टैलेंट इज वॉज इट वॉजेंट ए डिफिकल्ट फॉर मी, तो आई हैव ए कॉमन फ्रेंड हु ऑलवेज एनकरेज द न्यू टैलेंट व्हेन एवर ही डिस्कवर, ए फोटोग्राफर फ्रेंड ऑफ माइन हु लिव्स इन दिल्ली, तो व्हेन आई वॉज डूइंग द ऑडिशन, सो आई हैपन टू मीट दिस गर्ल तुलिका इन द ऑडिशन, आउट ऑफ ऑल अमॉन्ग 30-40 गर्ल्स आई पिक्ड अप हर बेस्ड ऑन हर एब्सोल्युटली ऑन हर एक्टिंग स्किल्स, राइट फ्रॉम द डे वन शी हैज़ डन वेरी गुड जॉब, डेडिकेटेडली शी हैज़ परफॉर्म्ड, एंड वेरी सून द ऑडियंस इज गोइंग टू सी हर परफॉर्मेंस। जी ऑफकोर्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स सॉरी हु वर्कड इन दिस फिल्म, नॉट ओनली एक्टर्स, इवन द बिहाइंड द कैमरा, जो डायरेक्शन डिपार्टमेंट के टेक्निकल साइड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सारे मेरे फिल्म स्टूडेंट्स ही हैं, मेरे फिल्म अकेडमी के स्टूडेंट्स हैं, हु हैज वर्कड एज असिस्टेंट डायरेक्टर्स, एसोसिएट्स, और एक्टर्स में भी कैमियो रोल्स भी जो जिन्होंने भी किया। द आइडिया इज़ दैट जिनके सपने, मतलब मैं अपना सपना पूरा नहीं कर पाया, सो आई एम वेरी हैप्पी फुलफिलिंग द विश ऑफ एटलीस्ट माई स्टूडेंट्स, ये मेरा सोच थी, मतलब मेरे ऑफिस में, मतलब मेरे अकेडमी में जो भी वॉकिंग करे, एटलीस्ट मैं उनका सपना साकार कर सकूँ,
क्योंकि मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेरे पास अवेलेबिलिटी है, मेरे पास लॉजिस्टिक्स है. सो आई थॉट दैट कि वाई नॉट इंकरेज माई ओन स्टूडेंट्स हु कम्स विद द लॉट ऑफ ड्रीम्स इन टू माई अकेडमी. तो उससे जब मुझे मौका मिला तो मैंने बारी बारी पुराने स्टूडेंट्स जो एल्यूमनी से उनको भी मैंने बुलाया, इसमें कहीं ना कहीं उनको सहयोग दिया, उनको छोटे मोटे कैरेक्टर्स में. सो इज एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन ए GFA प्रोजेक्ट. Tell us something about the music. कितने गाने हैं? जी, म्यूज़िक हैज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस फिल्म. गानों में काफ़ी कहानी है हमारी, टाइटल सॉन्ग भी है हमारा. वी हैव थ्री सॉन्ग्स, सिचुएशनल सॉन्ग थ्री, जिसमें क्लाइमैक्स सॉन्ग इज़ वेरी इज वॉइस हैज़ बिन गिवन बाय शाहिद मालिया, प्रोमिनेंट सिंगर ऑफ बॉलीवुड. म्यूज़िक इसका जिसने दिया है मिस्टर संजीव कुमार, वो ये भी बडिंग टैलेंट है फ्रॉम पुणे, काफ़ी अच्छा काम किया है. तो बतौर इसमें सारे नए टेक्निकलिटीज़ के हिसाब से आप स्टैंडर्ड्स देखेंगे, अब जब हमारा ट्रेलर आप देखेंगे तो उसमें कहीं आपको कहीं खामी नज़र नहीं आएगी, जहाँ तक हम मानते हैं ये चीज़ को. जैसे मेरे फिल्म के DOP है मिस्टर जवाहर रेड्डी, ही इज़ ऑल्सो ए वेरी प्रोमिनेंट कैमरामैन डॉन साउथ. उसके अलावा आर्ट डायरेक्टर एंड एडिटर, एवरी वन हैज़ ए रेप्यूटेड नेम एंड लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन देयर, इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. सो यू विल नॉट फील दैट यू आर वॉचिंग ए फर्स्ट टाइमर्स फिल्म. दिस इज अबाउट ऑल अबाउट दैट. वेल, इज ऑल डिपेंड्स ऑन द रिजल्ट ऑफ ख्वाब सारे छोटे. आइडियाज़ तो काफ़ी है, आई हैव ए प्रोजेक्ट इन माई माइंड टाइटल एज फुल मून. सो आई विश आई कुड वर्क विद सम ऑफ द नोन नेम्स फॉर माई नेक्स्ट प्रोजेक्ट. सो प्लानिंग चल रही है. सो लेट्स सी, इज ऑल डिपेंड्स ऑन द फेथ ऑफ ख्वाब सारे झूठे परफॉर्मेंस. सो वी आर कॉन्फिडेंट दैट वी आर डिलीवरिंग द गुड प्रोजेक्ट टू द पीपल एंड यंग क्राउड. सो लेट्स विश, 7 February वी आर कमिंग नियर सिनेमा सी यू. जी, थैंक यू सो मच. हेलो एवरीवन, मेरा नाम हिमायत खान है, मैं हैदराबाद से हूँ, अभी फ़िलहाल बॉम्बे में रह रहा हूँ. ये ख्वाब सारे झूठे मेरी फर्स्ट फिल्म है, जिसके लिए मैं पहले थैंक यू बोलना चाहता हूँ हमारे डायरेक्टर साहब को, दीपक बलदेव सर, फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. वो यहाँ तक मुझे लेकर आए हैं एंड ये मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मैं इतनी एक मूवी, मेरी खुद की मूवी रिलीज़ होगी थिएटर्स में. तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं बहुत खुश हूँ. लास्ट ईयर मैंने दीपक बलदेव सर की एकेडमी, एक्टिंग एकेडमी ज्वाइन की थी, ग्लिटर्स फिल्म एकेडमी. वहाँ पर मैंने 4 months का कोर्स लिया था, लेकिन 4 months होने से पहले ही दीपक सर ने मुझे सेलेक्ट कर लिया था ये मूवी के लिए, फॉर द रोल ऑफ रेहान, जो कि एक हीरो का बेस्ट फ्रेंड है. तो ये जर्नी मेरे लिए बहुत फन लविंग भी थी एंड वेरी टफ भी थी, क्योंकि मैं एक एक्टिंग बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता हूँ पहले. तो दीपक सर की मेहरबानी है जिन्होंने मुझे ये रोल दिया, मुझ में वो एक्टर देखा एंड थैंक गॉड आई एम हियर. रेहान का कैरेक्टर इस मूवी में ऐसा है कि वो एक बड़ा प्रैक्टिकल बंदा है, उसके व्यूज़ थोड़े बिजनेस माइंडेड व्यूज़ है एंड बहुत सा प्रैक्टिकल है वो. मतलब जैसा आयुष का कैरेक्टर है, हु इज़ वेरी रोमांटिक एंड जो एक परफेक्ट कैरेक्टर है, वो परफेक्शन में तो कुछ वैसे ही है, बट व्हेन इट कम्स टू लव उसका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा डिफरेंट है. तो बाय द एंड ऑफ द मूवी ही ऑल्सो रियलाइजेस के दुनिया में लव एग्जिस्ट करता है एंड पीपल शुड बिलीव इन लव. ख्वाबों में तो हर कोई विश्वास रखता है सर, सबके ख्वाब होते हैं. अभी मेरा ख्वाब सच हो रहा है कि मैं थिएटर पे दिखने वाला हूँ आप सबको, तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड आई विश हर सबका ख्वाब पूरा हो. टाइटल तो ख्वाब सारे झूठे हैं, बट जैसे कि हर्ष बोले हैं कि हमारे तो ख्वाब सच ही हो रहे हैं हम सबके, क्योंकि ये मेरा पहला मूवी है और मेरा भी एक ड्रीम था कि मैं एक एक्टर बनूं, ऊपर जाऊं, लीड करूं, एवरीथिंग. बट यहाँ पर ऐसा है कि आपको जो भी रोल मिलता है उसमें उसे आपको जीना पड़ता है. तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि जो रोल मैं कर रहा हूँ वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि वो मेरे लिए क्वाइट चैलेंजिंग रोल था जो मैं किया हूँ मूवी में. बिकॉज जिस तरीके से मैं मूवी में दिखाया गया हूँ उस तरीके का एक्चुअली मैं हूँ नहीं, तो मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग था वो रोल. तो मेरे लिए तो ख्वाब सच ही हो रहे हैं. दे वर लवली पीपल ऑन द सेट्स एंड ऑफ द सेट्स एज वेल. बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे हर्ष एंड तुलिका, तो दे वर वेरी हेल्पफुल ऑन द सेट्स. कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती थी तो वो मुझे हेल्प करते थे, इंक्लूडिंग दीपक सर, वो भी मुझे बहुत हेल्प करते थे. मतलब वो मुझे इस तरीके का फील होने देते थे कि मैं एक फ्रेशर हूँ, एक बिगनर हूँ,
तो मुझे वो बहुत पसंद आता था और मैं हर चीज़ ग्रैप करने की कोशिश करता था। एक्टिंग क्लास से क्या सीखा आपने, कितना आत्मविश्वास आया? एक्टिंग क्लास तो बेसिकली कुछ होता नहीं है, पहले तो एक्टिंग अंदर से ही आती है, बट जस्ट वो आप यू नो तराश सकते हैं खुद को, जैसा डायमंड को तराशा जाता है वैसे एक एक्टर को भी तराश सकते हैं अगर आप अच्छा एक्टिंग स्कूल अच्छा प्लेटफॉर्म पर अगर आप वो एक्टिंग को बिल्ड करें अपनी, तो यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स डिफरेंट स्टाइल्स। तो जी मेरे फेवरेट बॉलीवुड एक्टर्स शाहरुख खान है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है एंड इरफान खान है, क्योंकि ये लोग मुझे बहुत ज़्यादा नेचुरल लगते हैं व्हेन दे एक्ट, तो मैं नेचुरल एक्टिंग में थोड़ी बिलीव करता हूँ। जी हाँ, ये मूवी 7 फेब को रिलीज़ होगी आपके सिनेमाज में, जो भी आपके सिनेमाज हैं ऑल ओवर इंडिया ये रिलीज़ होगी 7 फेब को, ज़रूर देखिएगा आप सब एंड प्लीज़ हमारे लिए सपोर्ट कीजिए एंड दुआ कीजिए। थैंक यू।